हेलो बुक बरीज, आई होप यू आर ऑल फैंटास्टिक। एक सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है, विच इज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, वो ये है कि बुक बडी, यू ऑलवेज टॉक अबाउट बुक्स, आप कहते हैं कि किताबें पढ़ें, किताबें खरीद के पढ़ें, यू से रीड लर्न प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुलाइज, आपका मिशन है मिशन रीड पाकिस्तान, वो सब तो ठीक है, वी अप्रिशिएट दैट, वी एक्नॉलेज दैट, वी लव दैट, लेकिन मसला ये है कि हम रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप कर पा रहे। आपने तो 2000 किताबें पढ़ ली हैं, एटलीस्ट हमें तो इस लाइक करें कि हम 100-200 किताबें पढ़ सकें, या अगर वो भी नहीं पढ़ें तो एटलीस्ट वी कैन रीड सम बुक्स एवरी डे। तो मसला ये है कि लोगों को रीडिंग की हैबिट नहीं है। सो टुडे इज द डे व्हेन आई विल डिस्क्लोज 6 टिप्स जिसको अपना के यू कैन किक स्टार्ट योर रीडिंग हैबिट्स। अब लोगों को डिफरेंट तरह के मसाइल होते हैं, वो ये होते हैं कि जैसी, ज़्यादातर लोगों का मसला ये है, जैसी किताब खोली आफ्टर 5 मिनट्स दे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, दे टेंड टू फॉल स्लीप, विच इज़ गुड एज वेल, लेकिन किताब को एटलीस्ट 15-20 मिनट तो आप टाइम दें रोजाना। दूसरा ग्रुप वो है विच सफर फ्रॉम एक्सक्यूजाइटिस, ये वो बीमारी है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था व्हेन आई रिव्यूड द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इफ यू गो टू माई यूट्यूब आर्काइव्स आपको वो वीडियो मिल जाएगी, यू कैन एक्चुअली रिव्यू दैट। ये एक्सक्यूजाइटिस वाले वो लोग हैं जिनको हर वक्त मसला है कि हम सुबह में हमारे पास टाइम नहीं है, रात में हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, सो ऑल ऑफ दैट। तो इन सारी बीमारियों का आज मेरे पास हल है व्हेन आई विल डिस्कस विद यू 6 टिप्स, यस 6 टिप्स, जानलेवा टिप्स टू एक्चुअली किक स्टार्ट योर रीडिंग हैबिट्स। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो, बिकॉज इफ यू वॉच दिस वीडियो टुडे आई कैन गारंटी कि आप आज से अपनी रीडिंग हैबिट को स्टार्ट कर देंगे। रीडर्स आर लीडर्स, लेट्स बी बैक। Okay, let's immediately get to the first tip. So the tip number one is start your reading journey from short stories. It's that simple. ठीक है, मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो लोगों को ऑब्जर्व की है, वो ज़्यादातर यही देखा है कि लोग जब रीडिंग की हैबिट नहीं होती और वो किताब ख़रीदते हैं या कहीं से बोरो करते हैं तो वो इतनी मोटी किताब देख के परेशान हो जाते हैं, वहीं पे हाफ ऑफ द मोटिवेशन डाइज डाउन, 300 पेजेस, 400 पेजेस, 600 पेजेस, 700 पेजेस, तो वो इतना बड़ा जब हाथी देखेंगे और जब रीडिंग की हैबिट भी नहीं होगी तो हाफ ऑफ द मोटिवेशन गोज डाउन। फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे 10-15-20 पेजेस, 50 पेजेस एंड दैट्स इट। उसके बाद अगले साल या 5 साल बाद ही उस किताब को दोबारा देखेंगे अगर चांस मिला तो। तो अक्सर लोग जो है वो अपनी रीडिंग हैबिट को इसलिए नहीं किक ऑफ कर पाते क्योंकि दे डोंट सेलेक्ट द राइट बुक्स। सो माय फर्स्ट टिप इज कि आप हमेशा शॉर्ट स्टोरी से शुरू करें या नोवेलास से शुरू करें। ये नोवेलास क्या हैं? ये वो बुक्स हैं विच आर समवेयर इन द पेज रेंज ऑफ 100-150, इवन 160-170 पेजेस भी हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह की बुक्स को सेलेक्ट करेंगे उसके चांसेस ऑफ कंप्लीशन आर हाई। सो वेन यू कम्प्लीट अ बुक इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट, इट्स एन अचीवमेंट, तो आपको अच्छा फील होगा। जब अच्छा फील होगा तो यू विल ऑफ कोर्स गेट ऑन टू रीडिंग मोर बुक्स। तो मैं आपको कुछ 3-4 शॉर्ट स्टोरीज रिकमेंड करता हूँ, इसको फौरन जाके बाजार से खरीदें और इनको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, ये नंबर वन इज द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोहेलो, मैंने इसका रिव्यू भी दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज अ मस्ट रीड, इसको आप बाय करें। नंबर टू इज ओल्ड मैन एंड द सी बाय एनिस्ट हेमिंगवे, इसको आप रीड करें। नंबर थ्री इज गुड बाय मिस्टर चिप्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द राइटर ऑथर, बट गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अगेन अ शॉर्ट स्टोरी। एंड हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, दिस इज अगेन बुक नंबर फोर। इन 3-4 बुक्स को आप खरीदें, ये तकरीबन आपको 1000-1200 रुपए में तीनों चारों बुक्स मिल जाएंगी। तो ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर क्लासिक्स, यू नो मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन सोल्ड। तो आप इन शॉर्ट स्टोरी से अपनी रीडिंग जर्नी को स्टार्ट करें एंड देन मूव ऑन टू टिप नंबर टू। ओके, सो टिप नंबर टू, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुक बडीज एंड ऑफ कोर्स माय फीमेल फैंस, टिप नंबर टू इज कि जब आपने एक दफ़ा शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ली, आपको एक आदत हो गई छोटी छोटी किताबें पढ़ने की, तो फिर आपने डिस्कवर करना है योर फेवरेट योनर, राइट? आपको वो कौन सा लिटरेचर का एस्पेक्ट है, वो कौन सा फैसेट है, वो कौन सी लिटरेचर की साइड है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें फिक्शन हो सकता है, उसमें नॉन फिक्शन हो सकता है,
उसमें क्लासिक्स हो सकते हैं, उसमें हिस्टोरिकल बुक्स हो सकती हैं, उसमें साइकोलॉजिकल बुक्स ऑन साइकोलॉजी हो सकती हैं, फिलॉसफी हो सकती हैं, बिजनेस बुक्स हो सकती हैं, ड्रामा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको, रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं. अब जो भी योनरा आपको इंटरेस्ट करता है, कि मैं हिस्टोरिकल बुक्स में यार मेरा जो है ना जहन ज़्यादा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है हिस्ट्री के बारे में पढ़ के, तो आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना शुरू कर दें. फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स जो है ना, रॉबिन शर्मा की, ब्रायन ट्रेसी की, सेथ गोर्डन की, जिग जिगलर की, पीटर ड्रकर की, टॉम पीटर्स की किताबें, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आता है, स्टीफन कवी की, ये किताबें पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आप उन किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं. कुछ लोगों को कहते हैं हमें रिलीजियस बुक्स को पढ़ना है, तो आप रिलीजियस किताबों को पढ़ना शुरू करें. जब आपको अपना फेवरेट योनरा पता लगेगा कि मुझे लिटरेचर की कौन सी साइड पसंद है, तो आपको ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें एप्टीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाएगा. सो टिप नंबर टू इज आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर योर फेवरेट योनरा ऑफ लिटरेचर. वो कौन सी साइड है लिटरेचर की, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट साइड्स जो आपको पसंद है. जब आपको पता लग गया कि आपको ये पसंद है, तो उसके ऊपर बुक्स को खरीदना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें. दैट्स टिप नंबर टू. राइट, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम विद टिप नंबर थ्री. अक्सर लोग जो है वो रीडिंग को दे ट्रीट इट एज अ सेडेटिव, एज अ रिलैक्सेंट, एज अ ट्रैंक्विलाइजर. वो इसलिए क्योंकि रात को सोने से पहले वो किताब पढ़ते हैं, और जैसे किताब पकड़ी विद इन 3 to 5 minutes दे फॉल असलीप. राइट, दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग द रीडिंग हैबिट. तो मेरी एडवाइस है, जो टिप नंबर थ्री है, वो ये है कि अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 5 बजे उठें, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठें, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठें. एटलीस्ट वेक अप 50 minutes to 60 minutes बिफोर योर यूजुअल वेकअप टाइम. ठीक है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करें अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर अलर्ट एंड अवेक एंड यू आर एट योर प्रोडक्टिव बेस्ट टू रीड. साइंस ने भी यही रिवील किया है कि मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं एंड विच डिवेलप अ रीडिंग हैबिट, दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल. तो अगर आप रीडिंग हैबिट डिवेलप करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, और उस जल्दी उठ के ऑफकोर्स यू कैन डू योर मेडिटेशन, जो नमाज वगैरह आपने पढ़नी है, पूजा वगैरह करनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट. उसके बाद यू स्पेंड एटलीस्ट 30 to 40 minutes रीडिंग. ठीक है, वो जो रीडिंग है ना, दैट विल कीप ऑल योर डे फैंटास्टिक, और आपको मजा आएगा पूरा दिन गुजारने का, बिकॉज यू विल नो दैट यू हैड अ पॉजिटिव स्टार्ट टू द मॉर्निंग. इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट रिव्यू, विच इज ऑफ 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा. उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सुबह 5 बजे उठने के फायदे. बट टिल देन आप इस टिप नंबर थ्री को गौर से सुने और अमल शुरू करें कि इफ यू वॉन्ट टू डिवेलप द रीडिंग हैबिट, read early in the morning when you are alert and awake. All right, moving on to tip number 4. दो apps हैं जो आपने अपने फोन में लाजमी इंस्टॉल करनी है. आपके फोन में Facebook, WhatsApp, Instagram हो ना हो, लेकिन ये दो apps आपके फोन में लाजमी होनी चाहिए. If you are an Android user or an iOS user, I'm an Android user, तो मुझे ये तो पता है कि ये दोनों apps जो हैं ये Android पे available हैं. For the iOS people, please do check it out. वो दो apps कौन सी हैं? One is Goodreads and number 2 is Audible. ये दोनों apps जो हैं, they are owned by Amazon. I don't need to explain what Amazon is, but people, for the people who don't know, Amazon was the first, in fact, yeah, it was the first bookstore which was online back in the year, I think 1993-1994. तो Amazon की ये दो apps हैं, Goodreads और Audible. Goodreads के ऊपर आप books खरीद सकते हैं, e-books. I'm not a very big fan of e-books. मैंने कभी भी e-books नहीं पढ़ी, मैं हमेशा hardback फिजिकल कॉपी खरीद के पढ़ता हूँ. एंड नेक्स्ट इज ऑडिबल. ऑडिबल इज इंटरेस्टिंग, जिसमें आप इन द फर्स्ट 30 days यू गेट अ फ्री ट्रायल, एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक आपको 1000-1200 के करीब कुछ पैसे देने पड़ते हैं. यू कैन एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स ऑनलाइन. तो होगा क्या कि जब आप ऑफिस से कम्यूट करते हैं, या फिर आप कभी कहीं कहीं पे जा रहे हैं, और कराची जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 घंटा आपको ऑफिस पहुँचने में और ऑफिस से घर आने में लग रहा है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम बाय लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स. ठीक है, मैं अक्सर ये करता हूँ कि जब मुझे पता होता है कि ट्रैफिक इज़ टू मच, तो आई स्विच ऑन द ऑडियो बुक्स, यार उसको सुनते हुए चले जाएँ, कोई आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी किताब खत्म हो जाएगी. सो दैट्स टिप नंबर 4. मेक यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5. टिप नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. इस टिप को तो आप गांठ बांध लें. ठीक है, वो टिप ये है कि ऑलवेज ऑलवेज इन्वेस्ट इन बुक्स.
Never read a book जो आपने किसी से borrow की हो, ठीक है? Free में अगर आप किताब लेंगे तो उसके results भी बिल्कुल bogus होंगे. You will never be able to develop the reading habit until and unless you don't invest in books. याद रखेंगे जब भी आप किताब को खरीद के पढ़ेंगे तब भी आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी. अगर आप किसी से मांगते फिरेंगे या कहीं से बोरो कर लेंगे, शायद एक किताब खरीद बोरो करके पढ़ लें और मुश्किल से उसको कंप्लीट कर लें, बट यू विल नेवर बी एबल टू डेवलप द रीडिंग हैबिट अनटिल अनलेस यू डोंट लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स. अब इन्वेस्टमेंट की आपको मैं फिलॉसफी समझा देता हूँ. जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन बुक्स, ये दैट्स नॉट अ सिंपल इन्वेस्टमेंट, दैट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट दैट यू डू इन द बुक्स. ठीक है, जिस तरह आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त से मिलते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो आपका एक कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है जब आप किसी से नए मिलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्ती जो है वो स्ट्रांग होती चली जाती है. इसी तरह किताबों के साथ भी आप यही सलूक करें कि ऑलवेज ट्रीट देम लाइक योर गुड फ्रेंड, लाइक यू ट्रीट योर गुड फ्रेंड, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन देम. ठीक है, खरीद के किताबों को पढ़ें ताकि आपका एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सके. जब आपके पैसे लगे होंगे ना तो आपको खुद इंटरेस्ट होगा कि यार ये किताब को मुझे लाजमी ख़त्म करना है. आहिस्ता आहिस्ता जब आप किताबों पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, दैट्स द ट्रिक विच आई डिड 15 ईयर्स बैक एंड इट्स स्टिल पेइंग ऑफ, राइट? इसके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो एक बनाऊंगा कि व्हाट्स द मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन बुक्स एंड हाउ टू सेट योर बजट. बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टिप कि आपने जब भी किताब खरीदनी है, पढ़नी है, उसको खरीद के पढ़ना है. रिमेंबर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन बुक्स एंड एज लॉन्ग एज यू डू दैट बुक बडीज माइंड इट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ. ओके, मूविंग ऑन टू टिप नंबर 6 एंड द लास्ट टिप. इट्स वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस, इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट टिप, द मोस्ट यूजफुल टिप. वो ये है कि सब्सक्राइब टू बुक बडी. येस, इट्स वेरी सिंपल. देखिए, मेरी जो भी कोशिश है, जो भी काविश है, दैट्स फॉर यू एंड माई मिशन. लाइक आई से इज मिशन रीड पाकिस्तान. मैं कहता हूँ कि यार इस कॉम को कोई पढ़ा दे, इस कॉम को किसी ने पढ़ाया नहीं, तो मेरा तो यही मकसद है, मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू, अपनी प्रेजेंस के थ्रू, वट एवर कोशिश, वट एवर एफर्ट आई कैन डू, वट एवर हार्डवर्क आई कैन पुट इन सो दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग एंड डिवेलपिंग अ रीडिंग हैबिट. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन टिप नंबर 6 इज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर देम ऑनलाइन. ठीक है, जब ऐसा होगा तो वील अट्रैक्ट मोर कम्युनिटी, हमारे साथ और लोग आके जुड़ेंगे एंड वी विल बी एबल टू पेनिट्रेट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, हमारा मकसद यही है, मेरा पर्सनली मकसद यही है कि इस कौम को कोई पढ़ा दे, और इंशाल्लाह अगर कोई नहीं तो मैं तो ये ज़रूर कोशिश अपनी जारी रखूँगा थ्रू माई चैनल, थ्रू माई एफर्ट्स ऑन द ग्राउंड, दैट पीपल इन पाकिस्तान डिवेलप द रीडिंग हैबिट. सो बिफोर यू साइन ऑफ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन along with the subscribe button and press the bell icon for future notifications. So these are the 6 tips which I had to share and I'm telling you ki agar aapne in 6 tips ko consolidate kar liya to you are well on your way to developing your reading habits and you never know ki kuch saalon baad koi book buddy mera follower mujhe aake kahe ki sir मैंने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया, आपने तो 2,000-3,000 किताबें पढ़ ली थी, मैंने 6,000 किताबें पढ़ ली है. एंड यू नो व्हेन दैट डे कम्स I'll be the happiest man. Till then, let's read, learn, progress, and self-actualize. Take care.